आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। शेड्यूल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीसी लियोंग किताब को हम रिव्यू कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हैं और छठा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी अगर लैंडफॉर्म बनता है तो उसके दो ही प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो इरोजन, इरोजनल फीचर। इरोजन मतलब भैया अर्थ की सरफेस में कुछ भी है, अगर वहां से कोई चीज जा रही है, जैसे अगर पानी जा रहा है, रिवर जा रही है, तो वो सारी चीजें अपने साथ लेके आएगी। अब वो जो सारी चीजें अपने साथ लेके आ रही है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी, तो उसको कहते हैं डिपोजिशनल फीचर। और इसी की ही वजह से बनते हैं लैंडफॉर्म्स। तो हम देख रहे हैं लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशिएशन। पार्ट वन अपलोड हो चुका है जिसमें हमने इरोजनल फीचर की बात की थी। हमने देखा था ना कि यू शेप्ड वैली कैसे बनती है, कि भैया कि मान लो कि ये एक ग्लेशियर है, ह्यूज मास ऑफ आइस, ठीक है। अब ये वैली को काटता जा रहा है, ऐसे मूव, ये वैली है ठीक है, अब यहां पे ये ऐसे मूव करता जा रहा है, वैली को काटता जा रहा है, तो इस यू शेप्ड वैली, इस तरीके की वैली जो है वो बन जाती है। इसी के अंदर हैंगिंग वैली आती है, वो सारी चीजें हमने देखी थी, सर्क्स आता है, वो सब कुछ देखा था कि इरोजन की वजह से क्या होता है। आज हम देखेंगे ग्लेशियर जो सारी चीजें अपने साथ लेके आते हैं, पत्थर हो गए, बड़े बड़ी चट्टाने हो गई, वो सब जाके नीचे डिपॉजिट कर सकते हैं, कर देते हैं, जिसको हम डिपोजिशनल फीचर कहते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए डायग्राम, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। हैंगिंग वैली देखी थी हमने, हमने सर्क्स देखा था, सर्क्स या कोरी एक ही चीज है। पिरामिडल पीक देखी थी हमने, एरीट देखा था क्या होता है, लेक्स देखी थी, टान लेक्स देखी थी, ये सब आप देख लीजिए ठीक। अब हम मोरेन्स को देखेंगे। मोरेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक डिपोजिशनल एस्पेक्ट होता है ये। मोरेन्स क्या होता है दोस्तों, देखिए ग्लेशियर्स अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। आप इसको नदी से कंपेयर कर रही है, जैसे नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है, वो अपने साथ सैंड लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, रॉक्स लेके आती है, बोल्डर्स लेके आती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, चट्टान भी कभी कभी ले आती है, चट्टान मतलब बहुत बड़ी चट्टान नहीं। तो ऐसे ही ग्लेशियर भी ये सारी चीजें अपने साथ साथ लेके आते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलता है तो ये सब जो चीजें हैं वो डिपॉजिट होने लगती है, जिसको हम कहते हैं मोरेन्स। तो मोरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पीसेस ऑफ रॉक्स से बनी रहती है, फ्रॉस्ट एक्शन के कारण ये जो पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं ये टूट जाते हैं ठीक है ना, और ये ग्लेशियर में ही होते हैं, और जैसे ही ये वैली में आते हैं ठीक है, और जब ये बर्फ पिघलती है तो ये सब कुछ डिपॉजिट होने लगते हैं ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम मोरेन्स की बात करें दोस्तों, तो यहां पे लेटरल मोरेन और टर्मिनल मोरेन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोरेन्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। हम देख लेते हैं फिगर। लेटरल मोरेन क्या होता है दोस्तों, जो साइड वाइज होता है, ये आप देख सकते हैं ना, ये ग्लेशियर का मूवमेंट है और ये है मोरेन्स ठीक, जो डिपॉजिट है, जो पीसेस ऑफ रॉक्स है, साइड वाइज लेटरल, समझ रहे ना, साइड वाइज लेटरल, लेटरल मतलब साइड में, तो साइड में जो डिपॉजिट्स, बैंक्स में जो डिपॉजिट होते जाते हैं उसको कहते हैं हम लेटरल मोरेन। अगर दो मोरेन एक दूसरे से मिल रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, देखिए एक मोरेन यहां से आ रहा है, एक मोरेन यहां से आ रहा है, और दोनों मिल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मीडियल मोरेन, समझ गए ना। और मोरेन कुछ नहीं है, बस पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, और उसके बाद ये सारी चीजें चलती जाती है, जैसे जैसे ग्लेशियर्स आगे बढ़ता जाता है डिपॉजिट होती जाती है, और एक लास्ट पॉइंट आएगा ना, एक आखिरी पॉइंट आएगा, तो इसको कहते हैं टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल मतलब खत्म, एंड। तो टर्मिनल मतलब जब ये ग्लेशियर्स वैली में पिघलने लगते हैं तो ये जो डिपॉजिट यहां पे आ जाते हैं वो वही एक तरीके से उसका एंड हो जाता है ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम टर्मिनल मोरेन ठीक है ना। ये देखिए स्नाउट मेल्ट्स एट वैली फुट, यहां पूरी ये वैली है ठीक है, देख सकते हैं पहाड़ों के बीच का जो पूरा का पूरा एरिया, ये ग्लेशियर्स मूव कर रहा है अपने साथ सारी चीजें लेके, और फाइनली एक जगह पे ये सब कुछ वो डिपॉजिट कर देगा, खत्म यानी कि, तो उसको कहते हैं हम टर्मिनल मोरेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका डिपॉजिशनल फीचर्स होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए ग्लेशियर जो है वो समुद्र में जाता है ठीक है ना, तो अपने साथ ये मोरेन्स भी लेके जाता है, ये देख सकते हैं ना छोटे छोटे ये जो पीसेस ऑफ रॉक्स है, मोरेन्स है, वो अपने साथ लेके जाता है। और अगर ग्लेशियर्स टूट जाता है समुद्र में जाके, तो उसको बोलते हैं हम आइसबर्ग्स ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये आइसबर्ग। और ये जो आइसबर्ग होते हैं जब यहां पे मेल्ट होते हैं, तो ये जो डिपॉजिट होते हैं वो सी फ्लोर पे इकट्ठा हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए होंगे आप, देख सकते हैं ना भैया, ये देखिए कितने ज्यादा सी फ्लोर पे डिपॉजिट
हो गया है और ये पूरा ग्राउंड ब्रोरिन है, ठीक है ना। तो ये चीज आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों ये जो पूरा डिपॉजिट होता है इसको कहते हैं आउट वॉश प्लेन। जो भी ये टर्मिनल मोरेन पे डिपॉजिट होती है और उसके बाद जो फ्लड स्ट्रीम्स यहां पे आके इन सब चीजों को डिपॉजिट करते हैं उसको कहते हैं आउट वॉश प्लेन, ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हैं, अगर हम देखिए ये सब ड्रमलिन्स हो गए, एस्कर्स हो गए, ये बोल्डर्स हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों ये सारी चीजें पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है ना। ये सब पीसेस ऑफ रॉक्स है जो कि डिपॉजिट हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कुछ चीजों की, हम देख ही लेते हैं क्रेग एंड टेल की। ये आप देख सकते हैं ये क्रेग क्या होता है, ये ह्यूज मास ऑफ रॉक होता है, ठीक है ना, जो कि ग्लेशियर्स की वजह से है, ठीक है। तो ये इसको पूरा क्रेग कहते हैं और इसकी एक छोटी सी पूंछ होती है जिसको टेल कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दोस्तों दिया हुआ है बुक में, आप देख लीजिएगा। मैं ज्यादा इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि सब कुछ क्या है, ग्लेशियर जो अपने साथ चीजें लेके आ रहा है उनको जमा करता जा रहा है। ऐसे ही एक एस्कर्स होता है, अगर एस्कर्स की बात करें तो ये रिजेस होती हैं जो कि सैंड से रॉक से बनी होती हैं दोस्तों। फिर बोल्डर क्ले होता है या ग्लेशियर टिल भी इसको बोला जाता है। अगेन ये अनसॉर्टेड ग्लेशियर डिपॉजिट होता है, ठीक है ना, जो कि ये जमा होता जाता है, बहुत सारे इसमें इरोडेड मटेरियल्स होते हैं। फिर क्रेग एंड टेल, क्रैक मतलब क्रैग एंड टेल। क्रैग क्या होता है, बहुत बड़ा मास होता है एक रॉक का, एक हार्ड रॉक का बहुत बड़ा मास होता है जिसकी एक टेल होती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं, एक ड्रमलिंस होते हैं। ड्रमलिंस की बात करें दोस्तों तो ये ओवल शेप्ड के होते हैं, ठीक है ना, ये ओवल शेप्ड के होते हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े बाउल्डर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिपोजिशनल फीचर के अंदर आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मोरेन्स। तो ये सारी चीजें हैं। ये दोस्तों एक छोटा सा लेक्चर था, वैसे ये चैप्टर ही बहुत ही छोटा है लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशिएशन। जरूर दोस्तों इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट हमको मिले। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, राशि मैम के लेक्चर्स 8 तारीख के बाद से आएंगे, वो कुछ काम में बिजी हैं तो 8 तारीख के बाद से वो लेक्चर्स को है जो कंटिन्यू करेंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।